अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज आ रही? जी आ वालेकुम रही है। सलाम, आ रही है आपकी आवाज? कल हमने सेट सेट टाइप पढ़ी थी। इसमें सेट जो होती है वो तकरीबन ट्यूपल और लिस्ट के जैसी होती है। इसमें भी डिफरेंट मल्टीपल वैल्यूज जो स्टोर की जा सकती हैं, वो भी सिंगल वेरिएबल के अंदर, और ये कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखी जाती है। और इसके अंदर दो टू मेथड्स यूज होते हैं, ऐड और रिमूव का। ये आइटम को ऐड भी कर सकता है और रिमूव भी कर सकता है। और ये अनम्यूटेबल आइटम इसका सेट होता है। सेट जो होती है ना, वो अनम्यूटेबल होती है और ये अनऑर्डर्ड होती है। इसी तरह हमने कल हमें टाइप पढ़ी थी। सेट वन के नाम से हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसके अंदर हमें वैल्यू दी। अब हमने उसे कहा कि सेट वन हमें प्रिंट करवा दे, उसने हमें सेट वन प्रिंट करवा दिया। और हमने इसकी टाइप ली, हमने इसकी टाइप मालूम की, फाइंड की, तो उसने हमें टाइप दे दी सेट के, क्लास सेट। जैसे कि हमने पढ़ा था, हमने ऊपर सेट की जो सेट होता है वो डुप्लीकेट वैल्यू को अलाउ नहीं करता। आप ना मुझे डिस्टर्ब थोड़ा कर लीजिए। जी आहिस्ता प्लीज, थोड़ा आहिस्ता। आहिस्ता पार्टिसिपेंट्स को समझ नहीं आ रही। जी मैम, हमने कल एक सेट वन के नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसके अंदर हमने वैल्यू स्टोर करवा दी। और हमने उसे कहा कि हमें प्रिंट करवा दे सेट वन, और उसने हमें सेट वन प्रिंट करवा दिया। अब हमने उसे कहा कि वो हमें टाइप बता दे सेट वन की, तो उसने हमें सेट वन की टाइप दाई, सेट वन की टाइप दाई क्लास सेट। जैसे कि हमें पता है कि जो सेट है वो डुप्लीकेट वैल्यू को अलाउ नहीं करता। इसी तरह हमने जो सेट वन के नाम से, यहाँ पे हमने जो एक वेरिएबल डिक्लेयर किया सेट वन के नाम से, उसके अंदर हमने जो वैल्यू स्टोर करवाई, उसके अंदर हमने लाहौर ना डबल टाइम प्रिंट करवाया था। तो हमने उसे कहा कि जो सेट वन है हमें प्रिंट करवा दे। तो उसने जब हमें प्रिंट करवाया, जैसे कि उसने, हमें पता है कि वो डुप्लीकेट वैल्यू को अलाउ नहीं करता, तो उसने हमें सिर्फ सिंगल टाइम लाहौर लिख के दिया। इसी तरह हमने सेट टू के नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर किया। जैसे कि हम जानते हैं ट्रू जो होता है वो इक्वल होता है वन के, और जो फॉल्स होता है वो इक्वल होता है जीरो के। तो अगर हम यहाँ पे ट्रू और वन दोनों लिखें, या फॉल्स और जीरो दोनों लिखें, तो हमें सिर्फ एक को कंसिडर करेगा और दूसरे को नहीं राइट करेगा। तो इसी तरह हमने सेट टू के शुरू टू से एक वेरिएबल दिया, उसके अंदर हमने वैल्यू स्टोर करवा दी 5, 2 एंड 1। तो इसी तरह ये एक तो रैंडमली वैल्यू राइट करता है, तो इसने हमें ट्रू, इसमें इसने राइट कर दिया, हमें वन नहीं किया, क्योंकि ट्रू और वन दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं, वो डुप्लीकेट वैल्यू को अलाउ नहीं करता। मैम यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है, लेकिन अपने पार्टिसिपेंट से। ये तो आपने बता दिया कि ट्रू और वन सेम कंसिडर किए जाएंगे, तो इनमें से कोई एक ही हमारे पास आउटपुट में मिलेगा, लेकिन हमें कैसे जी पता चलेगा कि ट्रू हमें मिला, वन क्यों नहीं मिला? वन भी तो मिल सकता था। पार्टिसिपेंट्स में से कोई आंसर करना चाहे कि ट्रू और वन में से ट्रू आउटपुट में मिला हमें क्यों? नाम जो पहले लिखा होगा वही हमें आउटपुट में आएगा। अगर वन लिखेंगे तो वन आएगा आउटपुट में, अगर ट्रू वाले लिखेंगे तो ट्रू आएगा। नहीं, उसकी अपनी मर्जी है, वो जो मर्जी हमें प्रिंट करवा के दे दें। वन भी दे सकता है और ट्रू भी दे सकता है, अगर हम दूसरी दफा उसको रन करें तो। अच्छा, मैम शुमाइला कह रही है कि वन और ट्रू दोनों में से कोई भी देख सकता है। आमना आप ऐसे करें, ट्रू की जगह वन लिखें और वन की जगह ट्रू, और फिर इसको प्रिंट करवाएं। आमना आपने ट्रू के स्पेलिंग गलत लिखे हैं, टी आर यू ई। यहाँ पे अब वन प्रिंट किया, तो जैसे हदीम ने बताया था कि जो पे उसे मिल जाएगा पहले ऑर्डर में आ जाएगा, वो प्रिंट करवा देगा। और बाद में जब देखा, देखे इंटरप्रेटेड इस तरह से 5 उसने, जैसे मैं कल एक डायग्राम से बना के देखी थी कि अगर वो पहली वैल्यू हमने दी उसको और वो उसने स्टोर कर ली, दूसरी वैल्यू दी वो भी उसने स्टोर कर ली, तीसरी वैल्यू, पता चला कि इस तरह की वैल्यू भी मेरे पास है, तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। अब ना अगर यहाँ पे आप इस तरह करें कि सेट टू की लेंथ फाइंड करें इसी कोड में, प्रिंट लेंथ LEN और इसके बाद सेट टू।
ये देखें, वो लेंथ भी टू ही कंसीडर कर रहा है, जो तीसरी वैल्यू है, जो कि डुप्लीकेट वैल्यू है, वो स्टोर ही नहीं करेगा सेट में। मैम मैं मैम बिल्कुल माइला, बिल्कुल आपकी आपका पॉइंट क्लियर हो गया? यस मैम। ठीक है, हम ना आप कंटिन्यू करें। तो यहाँ पे हमने लेंथ से ही, हमें लेंथ ऑफ द सेट से मालूम हो रहा है कि हमें इसकी लेंथ मालूम करनी है। तो जो ये लिस्ट दी गई है हमें यहाँ पे, या स्ट्रिंग, इसके अंदर जितनी वैल्यूज होगी वो हमें उसकी बता देगा कि वो कितनी वैल्यूज हैं। तो यहाँ पे मैंने टू टाइम पंजाब लिखा, लेकिन वो जैसे कि वो डुप्लीकेट वैल्यू को काउंट नहीं करता, वो सिंगल ही काउंट करता है उसे, तो इसने हमें 4 दे दिया। एसएस सेट आइटम्स, इसके अंदर लूप फॉर्मूला यूज होता है, और ये इसके अंदर इन इन का जो कीवर्ड होता है ना वो यूज होता है। हमने इसे सेट वन के नाम से एक वेरिएबल दिया, उसके अंदर हमें वैल्यू स्टोर करवा दी। हमने इसे कहा फॉर आई इन सेट वन, जो लूप होता है वो वर्ड बाय वर्ड उसको प्रिंट करवाता है। तो जो आई होगा वो पहले लूप लाहौर के ऊपर जाएगा, और हमें लाहौर, जब हमने कहा आई प्रिंट करवा दो, तो उसने हमें लाहौर प्रिंट करवा दिया। फिर वो आई जब वापस रिटर्न होगा तो फैसलाबाद के ऊपर जाएगा, और जब हमने उसे फिर कहा कि प्रिंट आई करवा दो, तो उसने, उस टाइम उस आई फैसलाबाद के ऊपर था। इसी तरह उसने हमें फिर फैसलाबाद प्रिंट करवा देगा, और इसी तरह यहाँ पे 5 टू टाइम है, तो डुप्लीकेट वैल्यू वो कंसीडर नहीं करता, तो वो सिंगल ही करता है। तो उसने सिंगल वन टाइम हमें 5 लिख दिया, तो आई की जगह हमने यहाँ पे जे भी लिख के मैम, रखा मेरा एक था। क्वेश्चन है मैम। जैसे हम C++ में इंक्रीमेंट करवाने के लिए I++ लिखते थे, तो इसमें ये अपने आप ही कर देता है इंक्रीमेंट? हाँ जी फिजान, जी, ये वाली जो चीज है, जब आप किसी आइटरेबल ऑब्जेक्ट को आइटरेट करें वाइल लूप, उसमें ये खुद ही इंक्रीमेंट करता जा रहा है। जब हम वाइल लूप पढ़ेंगे तो हम, और एक और चीज, पाइथन में इंक्रीमेंट ऑपरेटर C++ में है ना, आप आई प्लस प्लस लिख देते हैं, ये ऑपरेटर पाइथन में नहीं होता। आई प्लस वन आप लिख सकते हैं, आई प्लस इक्वल्स टू वन। कंटिन्यू करें। तो ये आउटपुट में उसने हमें रैंडमली जो उसका दिल किया उसने हमें वैसी वैल्यू स्टोर करवा राइट कर दी। तो इसने हमें एक और सेट वन के नाम से वेरिएबल लिया, उसके अंदर हमने वैल्यू स्टोर करवा दी, और हमने अब कहा कि जो हमने इन इन का जो कीवर्ड था वो हमने यूज किया, और नॉट इन का कीवर्ड हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो हमने उसे कहा कि जो पंजाब है वो क्या इसके अंदर सेट वन के अंदर नहीं है, तो वो नहीं है क्योंकि ऊपर यहाँ पे लाहौर फैसलाबाद 5 एंड ट्रू लिखा हुआ, तो वो पंजाब नहीं है, तो उसने हमें ट्रू कर दिया क्योंकि वो नहीं था। एड आइटम्स इन अ सेट, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि आइटम को ऐड करना है हमें इसके अंदर। तो हमने सेट वन के नाम से एक वेरिएबल दिया, इसके अंदर हमने वैल्यू स्टोर करवा दी, और हमें कहा कि जो सेट वन है उसको उसमें ऐड कर दो पंजाब को, तो उसने, और प्रिंट कर दो हमें सेट वन, तो उसने हमें पंजाब सेट वन के अंदर प्रिंट करवा दिया। हमें नहीं पता वो कहाँ प्रिंट करवा के देगा, वो उसका जहाँ पे वो दिल करेगा उसका वो हमें वहां पे प्रिंट करवा देगा। इसी तरह हम एक और एग्जाम्पल है सेट वन के नाम से, सेट वन के नाम से हमने एक वेरिएबल दिया, उसके अंदर हमने सेट वेरिएबल वैल्यू स्टोर करवा दी, और एक सेट टू के नाम से वेरिएबल लिया, उसके अंदर हमने वैल्यू स्टोर करवा दी डिफरेंट, और यहाँ पे एक 5 यहाँ पे है और एक 5 यहाँ पे है, लेकिन जबकि ये डुप्लीकेट वैल्यू कंसिडर नहीं करता, तो ये 5 को वन टाइम लेगा। और यहाँ पे फॉल्स भी है और 0 भी है, तो इन दोनों में से जो उसका दिल करेगा वो वैल्यू कैरी कर लेगा और उसी को वहां पे प्रिंट करवा देगा। और हमने उसे कहा कि जो सेट वन है उसको अपडेट कर दो सेट टू के अंदर, अपडेट का मतलब भी ऐड करना ही होता है। तो हमें आमना की बात की थी, मुझे ब्रेक होते भी पता चल रही है या सबको लग रही है? जब मेरे एंड आपके पे भी तो हो रही है क्लियर मैम? हमारा तो क्लियर है। है, जब शायद आपके एंड पे तो प्रॉब्लम है। तो उसने हमें सेट वन प्रिंट करवा दिया, हमने उसे कहा कि सेट वन प्रिंट करवा दो, उसने हमें सेट वन प्रिंट करवाएगा।
तो उस समय जब सेट वन प्रिंट करवाया तो उसके अंदर उसने हमें ये दोनों वैल्यूज ऐड करके दे दी, लेकिन उसने यहाँ पे फॉल्स नहीं लिखा, जीरो लिखा है। जो उसको पहले वैल्यू मिलेगी या उसका जो दिल चाहेगा वो उसको प्रिंट कर देगा, फॉल्स नहीं किया उसने यहाँ पे और जीरो कर दिया। और हमें नहीं पता इसने फाइव कौन से वाला प्रिंट करवाया, ये करवाया जो वैल्यू सेट वन के अंदर था वो करवाया या सेट टू के अंदर। इसे हमने माई लिस्ट के वेरिएबल के नाम से हमने एक वेरिएबल वेरिएबल दिया और उसके अंदर हमें वैल्यू स्टोर करवा दी 4, 7 और 88। हमने उसे कहा सेट वन के अंदर ऐड कर दो माई लिस्ट को और सेट वन को मैं प्रिंट करवा दो। तो उसने हमें रैंडमली सेट वन जो उसने दोनों को ऐड किया था और जो उसके पास लिस्ट आई थी तो उसने हमें वो प्रिंट करवा दी। और यहाँ पे दो मेथड यूज होते थे ऐड का और रिमूव का। ऐड का हमने पढ़ लिया और रिमूव, रिमूव के नाम से बचा रहा वो हमें रिमूव कर देगा। सेट वन के नाम से हमें एक वेरिएबल दिया उसके अंदर वैल्यू स्टोर करवा दी। अब हमने उसे कहा कि जो सेट वन है उसके अंदर से उसमें रिमूव कर दो लाहौर को, तो वो हमें लाहौर रिमूव करके दे देगा और बाकी जो वैल्यूज होंगे वो हमें एज इट इज रिटर्न कर देगा रैंडमली। और इसी तरह हमें सेट वन के नाम से एक और वेरिएबल दिया, वेरिएबल दिया और उसके अंदर हमें वैल्यू स्टोर करवा दी। और अब हमने उसे कहा कि सेट वन को डिस्कार्ड कर दो, उसमें से निकाल दो जी जे एच एल। तो उसके अंदर वैल्यू के अंदर तो ये थी नहीं, तो उसने हमें एज इट इज जो वैल्यू सेट वन की थी वो हमें वैसे ही रिटर्न करवा दी। इसने एक एग्जाम्पल है सेट वन के नाम से हमने वेरिएबल्स दिया उसके अंदर हमने वैल्यू स्टोर करवा दी। अब हमने उसे कहा कि पॉप कर दो, मगर यहाँ पे तो इंडेक्सिंग अलाउ ही नहीं है, सेट के अंदर इंडेक्सिंग अलाउ सेट जो है इंडेक्स अलाउ नहीं करता, तो वो हमें जो उसका दिल करेगा तो वो हमें वो रिमूव कर देगा। इसमें उसने जीरो को जो इंडेक्स नंबर जीरो है उसने हमें लाहौर वो रिमूव कर दिया और बाकी जो हमने उसे कहा प्रिंट करवा दो सेट वन, तो उसने बाकी जो वैल्यू थी हमें प्रिंट करवा दी। एक क्लियर का मेथड यूज होता है यहाँ पे। सेट वन के नाम से हमने एक वेरिएबल दिया उसके अंदर वही वैल्यू स्टोर करवा दी और उसे हमने कहा कि क्लियर कर दो, वो हमें जो सेट वन के अंदर जो वैल्यूज होंगी वो सारी की सारी हमें क्लियर कर देगा। और जो एक डिलीट का यहाँ पे मेथड यूज होता है उसके अंदर भी यही होता है, वो हमें सारी की सारी जो होती है लिस्ट जो वैल्यू हमें उसके पास होती है वो हमें सारी डिलीट कर देता है। अगर हम यहाँ पे जैसे यहाँ पे हमने सिखाया कि प्रिंट सेट वन कर दो, लेकिन प्रिंट इसके अंदर तो कुछ है ही नहीं सेट वन के अंदर क्योंकि हमने डिलीट करवा चुके हैं, तो वो हमें एरर दे देगा यहाँ पे। देखिए एक ज्वाइन सेट था, इसके अंदर हमने सेट वन के नाम से एक वेरिएबल दिया उसके अंदर हमने वैल्यू स्टोर करवा दी। और सेट टू के नाम से हमने एक वेरिएबल दिया उसके अंदर डिफरेंट वैल्यू स्टोर करवा दी। इसमें भी यही है कि जो फॉल्स है और वो जो जीरो है ये दोनों सेम वैल्यूज होती हैं और इसमें 2 times 5 पाया जा रहा है, तो वो हमें एक दफा 5 लेगा और एक ही दफा 5 प्रिंट कर देगा। तो सेट वन एंड सेट टू और हम यहाँ पे ऐसे लाइन रिमूव हो गई है थी। मैम डिलीट का फंक्शन सेट पे फंक्शन करता है? नो मैम जी, बल्कि यही था सेट वन के नाम से एक वैल्यू दी हमने वेरिएबल दिया और उसे सेट सॉरी आपका क्वेश्चन था जी मैम, मेरा क्वेश्चन था मैम से कि डिलीट का जो फंक्शन है वो सेट पे काम करता है। सॉरी हतीम आप क्या पूछे, कौन सा फंक्शन? डिलीट का फंक्शन तो वो हमारे पूरा सेट जो है वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है मैम, लेकिन मैम हमने जब कल किया था तब तो ये वर्क नहीं कर रहा था। मैं भी यही पूछना चाह रहा हूँ क्योंकि कल आपने बताया था कि जैसे मेमोरी में सेव नहीं होता सेट, तो डेल तो मेमोरी से मूव करेगा ना, उसको फोन करेंगे। हाँ कल हमने यही पढ़ा था। हमने क्या हुआ था कल, क्या एरर था मुझे याद नहीं आ रहा, आप क्या कह रहे हैं? मैम कल हमने सेट डेल करवाया था लेकिन वो जब हम उसको प्रिंट करवा रहे थे तो एरर आ रहा था, उसकी वजह आपने ये बताई थी कि सेट मेमोरी में सेव नहीं होता। लेकिन जो डेल फंक्शन है मैंने बताई थी कि देखिए डेल करने के बाद वो मेमोरी से रिमूव हो चुका है। जाहिर है जब आप किसी कोई ऐसी चीज प्रिंट करवाने की बात करें जो कि डिलीट हो चुकी है, फॉर एग्जांपल आपने अपनी गैलरी से कोई वीडियो डिलीट कर दी टोटली और उसके बाद आप अपनी गैलरी में वही वीडियो रन करवाना चाह रहे हैं, प्ले करना चाह रहे हैं, तो क्या वो होगी? नहीं होगी ना। ये चीज यहाँ पे हो रही है। अगर आप लोगों को याद हो तो लिस्ट में जब हमने डेल कीवर्ड पढ़ा था और तब भी ऐसा ही होता था,
जो चीज हमने डेल कर दी, हमें तभी पता चलता है कि डेल कीवर्ड काम कर रहा है जब वो चीज प्रिंट होने पे एरर आएगा। वो एरर क्या, अगर तुरे आमना आप इसको जो डेल कीवर्ड है इसके नीचे प्रिंट है इसको कमेंट हो, इसको आप प्रिंट करें, अनकमेंट करें पहले और उसके बाद प्रिंट करें, जो एरर आएगा आप उस एरर को देखेंगे वो क्या क्या है, डिस्क्रिप्शन भी आप देखें। वो कह रहे हैं देखिए सेट वन नेम इज नॉट, सेट वन इज नॉट डिफाइंड, क्यों डिफाइन नहीं, क्योंकि ऊपर वो डिलीट हो चुका है। अब अगर आप डेल को कमिट करके इस पूरी प्रोग्राम को प्रिंट करें, देखिए अब ये प्रिंट हो रहा है, वो एरर आ रहा था जब हम डेल को डेल ऑपरेशन काम कर रहा है, डेल कीवर्ड काम कर रहा है, और वो काम क्या कर रहा है कि उस चीज को निकाल रहा है मेमोरी से, और जब वो मेमोरी से निकल जाएगी तो ऑफ कोर्स वो प्रिंट नहीं हो पाएगी। यही बात शायद कल भी हमने डिस्कस की थी, अगर इसके अलावा किसी बात में था, मेरे ख्याल में हम काफी चीजें होती हैं जो क्लास में डिस्कस करते हैं, एरर भी आ रहे होते हैं। अच्छा किसी का चैट बॉक्स में क्वेश्चन है कि कोड शेयर कर दें, कोड को यहाँ पे डाल दें, भी तब चीजें सही से क्लियर होंगी, इसमें मेमोरी की चीजें विजुलाइज होकर मिलती हैं। मैं ये लिंक चेक करके देखती हूँ, वैसे मुझे लगा शायद आप इसकी बात करें कि कोर्स लेने की। मैं कंटिन्यू कंटिन्यू हाँ जी आप कंटिन्यू करें। जो मैथ के स्टूडेंट्स होंगे उनको पता होगा यूनियन किस चीज के लिए इस्तेमाल होता है, यूनियन ऐड करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो हमने सेट वन के नाम से एक वेरिएबल दिया, उसके अंदर हमें वैल्यू स्टोर करवा दी, और सेट टू के नाम से एक वेरिएबल दिया, उसके अंदर हमें डिफरेंट वैल्यू स्टोर करवा दी। अब हमने कहा कि जो सेट थ्री है वो इक्वल हो सेट वन और सेट टू के यूनियन के, मतलब दोनों को ऐड करके जो उसका आंसर आएगा वो सेट थ्री के इक्वल हो। तो हमने उसे कहा कि सेट थ्री जो प्रिंट करवा दो, तो उसने सेट थ्री प्रिंट करवाया, इसके अंदर सेट वन की वैल्यू भी है और सेट टू की वैल्यू भी है, और फॉल्स और जीरो जो था वो दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं, इसलिए उसने वन टाइम प्रिंट करवाया। जो अपडेट मेथड, जो अपडेट मेथड होता है वो भी ऐड करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो सेट वन के नाम से हमने एक वेरिएबल दिया और उसके अंदर हमने वैल्यू स्टोर करवा दी, सेट टू के नाम से हमने एक वेरिएबल दिया और उसके अंदर हमने 50 एंड फॉल्स प्रिंट स्टोर करवा दी वैल्यू, और हमने उसे कहा कि जो सेट वन है उसको अपडेट कर दो सेट टू के साथ, ऐड कर दो, और हमने उसे फिर कहा कि जो हमें सेट वन है वो हमें प्रिंट करवा दो। तो जो सेट वन प्रिंट करवाएगा वो दोनों के दोनों वैल्यू ऐड कर देगा और हमें आंसर दे देगा। अच्छा मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पे, अपडेट और यूनियन दोनों मेथड्स यूज हो रहे हैं दो सेट्स को ज्वाइन करने के लिए, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों की आउटपुट भी सेम आ रही है, काम भी इनका ये कि दो डिफरेंट सेट्स हैं उनको ज्वाइन कर दो। आई थिंक मैम यहाँ पे हमने सेट थ्री के नाम से एक वेरिएबल दिया था और उसको इसके इक्वल कर दिया था सारी वैल्यूज को। जी बिल्कुल, और एक्चुअली ये टॉपिक हमने कल नहीं पढ़ा था इसलिए भी किसी पार्टिसिपेंट को आंसर नहीं पता था। अब आप इस तरह से करें कि जैसे नीचे हमने लिखा हुआ ना, बगैर वेरिएबल बनाए ही हमने डायरेक्ट फंक्शन लिख दिया सेट डॉट अपडेट सेट टू, मैम इसमें आपकी भी वॉइस स्लो आ रही है। अब आ रही है मेरी आवाज, जी मैम, आप यूनियन वाले फंक्शन में से भी सेट थ्री इक्वल्स टू ये चीजें रिमूव कर दें, इस स्टेटमेंट को वैसे बना दें जैसे नीचे वाले अपडेट मेथड की स्टेटमेंट हमने लिखी है बगैर वेरिएबल बनाए। अब आप इसको रन करें, देखिए अब हमें सिर्फ सेट वन प्रिंट करके दे रहा है, इसमें सेट टू नहीं ऐड करा, सेट टू अगर ऐड करता तो हमारे पास जीरो भी सेट में आना था। यूनियन मेथड तब काम करेगा जब हम उसको एक अलग वेरिएबल में स्टोर करेंगे, यानी कि उसने हमें रिजल्ट में जो सेट देना है वो एक अलग मेमोरी को ऑक्यूपाई करेगा, अलग वेरिएबल में स्टोर किए बगैर वो मेथड काम नहीं करेगा। ये चीज क्लियर होगी सबको, यूनियन भी और अपडेट भी? ठीक यस मैम। है, थैंक यू सो मच आमना, हम आगे आज मेथड्स पढ़ते हैं सेट के। जी ठीक है, मैम निम्रा आप कंटिन्यू करेंगी? ओके जब मैं कंटिन्यू करती हूँ। ओके मैम, मामला ने बहुत अच्छा समझाया, और अगर फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, फिर नेक्स्ट मूव करते हैं।
क्लियर है सबको? जी मैम क्लियर। ओके तो इसी बात को लेके चलते हैं जो अभी चल रही थी। अगर हमने ज्वाइन करना हो सेट को तो कैसे करेंगे? हमारे पास बेसिकली दो मेथड है, एक यूनियन का है और एक अपडेट का है। और फर्क क्या है? यूनियन क्या करता है, हमारे पास दो चीजें हैं। लेट्स सपोज ये एक बॉक्स है, इसके अंदर कुछ सामान पड़ा हुआ है, ये दूसरा बॉक्स है, इसके अंदर कुछ सामान पड़ा हुआ है, और एक थर्ड बॉक्स आएगा, उसके अंदर इस वाला सामान और इस वाला। यानी अगर हम सेट की बात करें तो इस सेट के एलिमेंट्स और इस सेट के एलिमेंट्स इस बॉक्स के अंदर चले जाएंगे, और ये जो बॉक्स बनेगा इसे मैं कह सकती हूँ कि ये यूनियन है उन दोनों सेट्स का। ठीक है, तो बेसिकली मुझे इसको एक स्पेसिफिक नाम देना पड़ेगा और ये एक स्पेसिफिक लोकेशन लेगा। इन केस अगर मैं अपडेट यूज करती हूँ तो अपडेट के केस में क्या होगा कि वो क्या करेगा, सिर्फ जैसे कि अगर मैं इसे सेट वन कहूँ, लेट्स सपोज ये सेट वन है, तो वो क्या करेगा, हमारे जितने भी एलिमेंट्स हैं सेट टू के उन सबको इस सेट वन में, सॉरी, उन सबको इस सेट वन में इंट्रोड्यूस करवा देगा। इंट्रोड्यूस करवाने का मतलब ये है कि सेट वन की अब लेंथ काफी बड़ी हो जाएगी, उसमें अपने वाले एलिमेंट्स तो होंगे ही होंगे जो पहले थे। सॉरी ये एनोटेटर अजीब सा हो रहा है, एक सेकंड। ओके, सेट वन में लेट्स सपोज पहले फाइव एलिमेंट्स थे, तो वो फाइव तो रहेंगे, लेकिन इन केस जो हमने सेट टू उसे दिया है उसके अंदर टू या थ्री या फोर एलिमेंट्स थे, लेट्स सपोज फोर थे, तो वो क्या करेगा, इन फोर को इसी सेट में इंट्रोड्यूस करवा देगा और इस सेट को अपडेट कर देगा। और जब मैं कहूंगी कि सेट वन को प्रिंट करो तो वो अपडेटेड सेट वन को प्रिंट करेगा, लेकिन इन केस ऑफ यूनियन, यूनियन में क्या होगा कि वो सेट वन को वैसे रहने देगा, सेट टू को भी वैसे ही रहने देगा, और एक नया सेट बनाएगा या कह लें एक नया वेरिएबल होगा जिसके अंदर वो सारी वैल्यू स्टोर करवाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस नहीं करवाती तो यहाँ एरर आएगा, ये वर्क नहीं करेगा। ओके, वैसे एरर नहीं आएगा, होगा क्या कि जब मैंने इसे कहा कि सेट वन, यहाँ अगर मैं लिख देती हूँ लेट्स सपोज, तो वो क्या करेगा, पुराना सेट वन जो भी था वो प्रिंट करवा देगा। इन केस अगर मैं उसे कहती हूँ सेट टू कर दो तो वो पुराने वाला सेट टू कर देगा, लेकिन जहां उसका यूनियन आया है वो चीज वो प्रिंट नहीं करेगा, क्योंकि मुझे किसी अलग वेरिएबल में वो चीज स्टोर करवानी पड़ेगी एंड देन उसका प्रिंट लेना पड़ेगा। अपडेट और यूनियन सबको क्लियर है? Yes, clear. Okay. Let's pause. कोई आंसर करना चाहे इस क्वेश्चन का, मैं यहाँ लिख देती हूँ सेट थ्री, और देन मैं प्रिंट करवाती हूँ, मैं सेट वन को भी प्रिंट करवाती हूँ, सेट टू को भी। तो कोई बताना चाहेगा क्या आंसर आएगा? मैम ये एरर देगा आई थिंक। दोनों का आंसर सेम आएगा? ओके सेम आएगा, दोनों सेम आएगा आंसर एट अ टाइम करते हैं। ओके Right. अब क्या हुआ, हमारे पास बेसिकली, आपको वो चीज याद है जो हमने रिटर्न टाइप की बात की थी पीछे मैम? पर ये रिटर्न टाइप तो तब आता था जब हम प्रिंट के अंदर यूज करते थे, ये तो उसको असाइन करना चाहिए था इसको सेट थ्री को उसकी वैल्यू। ओके 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 ओके, मैं आपको बताती हूँ। सेट वन, फिर मैम इनमें बेसिक डिफरेंस क्या हो गया, ये तो दोनों सेम ही वर्क कर रहे हैं, ऊपर वाला नहीं, ये सेम वर्क नहीं कर रही है, मैं आपको बताना चाह रही हूँ। एक सेकंड, मैं आपको सारी एग्जांपल दिखाती हूँ एंड देन आपको मैं बताती हूँ हो क्या रहा है। अच्छा, अब मैंने लिखा कि सेट थ्री में सेव करो, क्या सेव करो, जो भी इस चीज पे वर्क करने के बाद आंसर आए, लेट मी एनोटेट इट। मैंने उसे कहा कि ये जो बात मैं आपको कह रही हूँ इसे डन करो, वर्किंग करो, जो भी रिटर्न टाइप या जो भी आंसर आपको मिले देन वो स्टोर करवा दो सेट थ्री में। उसने ऐसे ही किया, और जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कुछ मेथड्स हमारे पास ऐसे होते हैं जिनकी रिटर्न टाइप हमारे पास नन होती है, उन्होंने सिंपली वर्किंग करनी होती है, वर्किंग डन हो जाए तो रिटर्न में सिर्फ नन लेके जाना होता है और बाकी जो काम उन्होंने कर दिया है वो हमें मिल जाएगा हुआ हुआ। ठीक है, तो इस केस में उसने क्या करना था, सेट वन को टू को भी डाल देना था, तो उसने अपनी वर्किंग कर ली देन रिटर्न कर दिया नन। तो यहाँ अगर मैं नन को, ये जो नीचे वाली लाइन है इसका मतलब पता है क्या है, मैं इसकी रिटर्न टाइप को डायरेक्टली प्रिंट करवा रही हूँ, और इस केस में मैं एक और वेरिएबल लेके
उसमें वो रिटर्न टाइप स्टोर करवा रही हूँ और यहाँ जाके वो प्रिंट करवा रही हूँ, तो जो भी आंसर इसका आएगा वो डायरेक्टली प्रिंट करवा लें या किसी वेरिएबल में स्टोर करवा लें, वो रहेगा तो सेम ही ना। यस क्लियर। ओके, तो जो एक पार्टिसिपेंट कह रही थी कि दोनों चीजें सेम है, तो उन्हें समझ आई इस बात की कि ये दोनों सेम बिल्कुल भी नहीं है। मैं मुझे लॉजिकली अगर इसको देखें तो सेट वन डॉट अपडेट सेट टू की जो वैल्यू होती है वो असाइन हो रही है सेट थ्री को। जी बिल्कुल ऐसे ही। तो इसकी वैल्यू यही मैं आपको बता रही हूँ ना, इसकी वैल्यू जो है ना वो कुछ भी नहीं है, देयर इज नथिंग। इसके इसने जो वर्किंग की ना, टू अपडेट होकर सेट वन के पास आ रहा है, वो सेट थ्री के को साइन नहीं हो रहा। नो 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 नो, ऐसा नहीं हो रहा। देखिये मैं आपको थोड़ा फिर रिपीट करती हूँ। हमारे पास क्या होता है, एक मेथड है, मेथड के अंदर हमने कुछ चीजें लिखी हुई है कि आपने ये करना है, ऐसे वर्क करना है। लेट्स सपोज इसके लिए मैंने लाइनें लिखी हुई है कि आपके पास एक सेट है सेट वन, आपके पास दूसरा सेट है सेट टू, आपने क्या करना है कि सेट वन में जितने भी एलिमेंट सेट टू के हैं वो भी ऐड कर देने हैं। ठीक है, ये मैंने लिखा और देन मैंने उसे कहा कि जब आप रिटर्न करने लगो ना तो आपने ये सारी वर्किंग डन करने के बाद ना नन रिटर्न कर देना। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमने आई थिंक अपेंड और एक्सटेंड वाले जो है ना मेथड्स वगैरह पढ़े थे। तो जी मैम, अपनी में तब आता था एरर जब हम लास्ट में प्रिंट के साथ उसको करते थे ना, तब आपने कहा था कि प्रिंटिंग में उसके पास लास्ट में नन, उसकी रिटर्न टाइप जो होती है वो नन आ रही है। ओके, देखिए मैं अगर उसे डायरेक्टली प्रिंट करवा लूं या किसी वेरिएबल में स्टोर करवा लूं, जो आउटपुट है वो तो सेम रहेगी। आई डोंट नो आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रही, मैं आपको बात बताती हूँ। जब मैंने लिखा है ए प्लस बी, इसका मतलब पता है क्या है कि ए में प्लस बी करो, अब मैं इसे सी में स्टोर करवा लूं या फिर मैं इसे डायरेक्टली प्रिंट करवा लूं, आप मुझे बताएं आंसर क्या आएगा। लेट्स सपोज ए जो है वो 4 है और बी जो है वो 5 है, तो आप मुझे बताएं आंसर क्या आएगा। 9 मैम। ओके, तो सी में क्या स्टोर होगा? 9। और लेट्स सपोज मैं इसे एनोटेशन में थोड़ा सा टाइम लगता है इसके लिए सॉरी। अच्छा लेट्स सपोज मैं प्रिंट में लिखती हूँ ए प्लस बी, डायरेक्टली प्रिंट के अंदर लिख रही हूँ मैं। ठीक है, तो अब आप मुझे बताएं आंसर क्या आएगा। 9 आएगा मैम। यस, बेसिकली जो भी चीज हमने डन की उसका आंसर अगर हम डायरेक्टली प्रिंट करवा लें तो भी वही चीज आएगी, या उसे किसी चीज में स्टोर करवा लें तो भी वही चीज आएगी। इस केस में क्या हो रहा था, अब फर्क देखिएगा, यूनियन की रिटर्न टाइप जो थी ना वो एक नया सेट था जिसके अंदर ये दोनों सेट मौजूद होंगे, तो उसने क्या किया, उसने सेट 3 में वो स्टोर करवा दिया। इन केस इस लाइन को, एक मिनट, इस लाइन को अगर मैं डायरेक्टली प्रिंट करवा लूं ना, यहाँ पे मैं डायरेक्टली प्रिंट कर लिखती हूँ तो भी वही आएगा। ओके, इसे डायरेक्टली प्रिंट करते हैं, हमारे पास ये आंसर आ रहा है। वेल, क्योंकि सेट 3 हमने इनिशियलाइज नहीं किया, इसे कैंसिल आउट करते हैं। ये देखिएगा, ये हमारे पास आंसर आया है बेसिकली उसका यूनियन दोनों का। तो मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ कि इसका जो आंसर था ना वो एक न्यू सेट था जिसके अंदर दोनों वैल्यूज थी, वेदर मैं इसे डायरेक्टली प्रिंट करवा लूं या फिर किसी और वेरिएबल में स्टोर करवा लूं, आंसर सेम ही रहेगा। लेकिन इस केस में क्या था, इस केस में जो आउटपुट कह लें या जो उसका एंड आंसर था वो हमारे पास नन था। चाहे मैं उसे किसी वेरिएबल में स्टोर करवा लूं, चाहे मैं उसे डायरेक्टली प्रिंट करवा लूं, वो नन ही रहेगा। इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में सिर्फ अपडेट हो रही है वैल्यू सेट वन की, तो वो सेट वन में ही शो होगा हमें चेंज, अदरवाइज कुछ हमें नजर नहीं आएगा। क्लियर हुआ आपको? जी जी मैम। तो मैम हम ये कह सकते हैं कि अपडेट और यूनियन में दो, एक तो इनकी रिटर्न टाइप में डिफरेंसेस है, यूनियन की रिटर्न टाइप एक सेट है जबकि अपडेट की रिटर्न टाइप क्या है, नन, यानी अगर उसको डायरेक्टली प्रिंट करवाएंगे तो नन मिलेगी। सेकेंडली यूनियन में क्या हो रहा है, सेट यूनियन का एक्चुअली मतलब क्या होता है कि दो को मिला दो, तो सेट वन और सेट टू दोनों को मिला के एक न्यू सेट बन रहा है, जबकि अपडेट का क्या मतलब होता है, किसी चीज को चेंज करके उसमें कुछ चेंजिंग कर दो, यानी यहाँ पे अपडेट कर दो, यानी सेट वन में हो रही है, न्यू सेट नहीं बन रहा। इसके अलावा चैट बॉक्स में किसी का क्वेश्चन है कि यूनियन और अपडेट वैसे सेम है लेकिन सेम आंसर दे रहे हैं लेकिन यूनियन इज लोअर देन अपडेट, तो मेरे ख्याल से हम लोग कह सकते हैं क्योंकि यूनियन में एक न्यू सेट बन रहा है, बेशक ये थोड़ा बहुत ही नेग्लिजिबल इसका इफेक्ट है लेकिन इसमें हम ऐसे कह सकते हैं ना कि ये थोड़ी स्पेस भी ले रहा है एज कम्पेयर टू अपडेट।
ऐसे ही है, हमारे पास स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी थोड़ी सी, क्योंकि एक न्यू सेट बन रहा है और वो उतनी स्पेस लेगा जितना हमारा सेट वन और सेट टू की लेंथ है. उन दोनों को अगर मिला के बनाए तो हमारे पास एक न्यू सेट बनेगा. और इस केस में क्या हो रहा है कि सेट वन में ही थोड़ा कह लें कि हमारे पास एडिंग हो रही है, तो उतनी स्पेस नहीं लेगा जितना कि यूनियन ले रहे हैं. ओके, क्लियर है सबको? यस मैम. नेक्स्ट मूव करते हैं. ओके, हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है कुछ और स्पेसिफिक मेथड्स हैं जो कि हम सिर्फ किसमें यूज कर सकते हैं, सेट में. तो देखते हैं क्या है हमारे पास. अच्छा, किसी को आइडिया है पार्टिसिपेंट्स में से कि इंटरसेक्शन क्या होती है? मैम, इंटरसेक्शन अगर दो सेट्स दोनों कॉमन, दोनों कॉमन चीजें आ जाएंगी, दो सेट्स कॉमन. ओके, मतलब क्या होता है यूनियन बेसिकली ये था कि जितने भी एलिमेंट्स हैं दोनों सेट में उन्हें मिला दो. और इंटरसेक्शन ये होती है कि उन्हें स्कैन करो, चेक करो, जो भी उनमें कॉमन एलिमेंट्स हैं उन्हें आउटपुट के तौर पे दे दो. बिल्कुल ऐसे ही है. यस मैम. ओके, लेट्स ट्राई इट. सबसे पहले हमारे पास इंटरसेक्शन अपडेट है. मेथड विल कीप ओनली द आइटम्स दैट आर प्रेजेंट इन बोथ सेट्स. हमारे पास दोनों सेट्स में जो आइटम्स मौजूद हैं उसे ये मेथड रख लेगा. ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, हमारे पास एक सेट है सेट वन, उसमें कुछ एलिमेंट्स हैं. देन हमारे पास सेट टू है, उसमें कुछ एलिमेंट्स हैं. तो हमने कहा कि सेट वन डॉट इंटरसेक्शन अपडेट सेट टू. अच्छा, कोई आप में से पार्टिसिपेंट बताना चाहेगा कि इसकी जो रिटर्न टाइप होगी वो क्या होगी? गेस करें, आपको क्या लगता है, ये यूनियन जैसा है या जो हमने ऊपर मेथड अपडेट पढ़ा है उस जैसा है? अपडेट जैसा. आई थिंक अपडेट जैसा है ये. ओके, ठीक है, रीजन भी बताएं. इसकी रिटर्न सेट वन के अंदर ही इसको कर रहे हैं. यस, तो लेगा लेकिन अपडेट सेट वन को ही करेगा जो हमने एज ऑब्जेक्ट यूज किया. इसका मतलब आपको बात समझ आई है. तो बेसिकली यहाँ पे हमने कोई और वेरिएबल नहीं बनाया जिसके अंदर वैल्यू स्टोर करवा रहे हैं. हम सिंपली क्या कर रहे हैं कि जो हमारे पास पहले से वेरिएबल मौजूद था उसी को अपडेट किया हमने, इंटरसेक्शन अपडेट. यानी कि इस टाइम अगर बात करें हम, तो फिर हमने उसी वेरिएबल को प्रिंट आउट करवा लिया. ठीक है, तो अब बेसिकली हुआ क्या, उसने यहाँ दी जाने वाली जो भी वैल्यू थी उसे ऐड कर दिया सेट वन में और हमें रिटर्न कर दिया सेट वन. और ये हमारे पास आ रहा है प्रिंट सेट वन. तो अब देखते हैं हमारे पास क्या प्रिंट होके आता है. ओके, क्योंकि ये दोनों जो थे इनमें हमारे पास फाइव कॉमन था तो हमारे पास फाइव आया. तो कोई अब बताना चाहेगा क्या आउटपुट क्या आएगी? उसने देखा कि हमारे पास इनमें से कॉमन क्या है तो उसने वही रख लिया. तो आपको ये पता ही है कि ट्रू और जो हमारे पास वन या फॉल्स और जीरो वो इतना मैटर नहीं करते. अच्छा, एक और चीज ट्राई करते हैं वैसे, वो उनमें से एक चीज को कंसिडर करता है और दूसरे को छोड़ देता है. ओके, तो यहाँ पे उसने जीरो को देखा कि जीरो कॉमन है तो उसने जीरो रख लिया. और उस केस में क्या हुआ कि उसने ट्रू देखा और उधर से वन देखा तो उसने कहा कि क्योंकि मैं वन को ट्रू ही कंसिडर करता हूँ और ट्रू तो वन ही है मेरे लिए, तो मैं इनमें से एक चीज कह सकते हैं कि ले सकता हूँ. तो उसकी मर्जी है वो ट्रू ले ले या वन ले ले. ओके, फिर मैम हम ये बात नहीं कर सकते कि जो पहले होगा वो हम मतलब लेगा. ऐसा जैसे ट्रू पहले था. जी बिल्कुल, अब यहाँ पे ट्रू पहले था. लेकिन अगर मैं ये भी कहूँ कि उसने पहले सेट टू को स्कैन किया, सेट टू की वैल्यूज को देखा और उसने सेट टू की वो वैल्यूज इसमें रहने दी, सॉरी सेट टू की जितनी भी वैल्यूज उसने चेक की, उसने चेक किया अगर यहाँ भी वो मौजूद है तो रहने देता हूँ, अदरवाइज मैं डिलीट कर देता हूँ. तो उसने इसकी वैल्यूज दी. ठीक है मैम. वेल, अगर देखा जाए तो यहाँ उसे ट्रू देना चाहिए था ना, हम ये कह सकते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहा. अच्छा, एक और चीज ट्राई करके देखते हैं. मुझे जी प्लीज, अभी आपने यहाँ पे लिखा हुआ था जीरो के बाद पांच था और ऊपर भी आपने शायद जीरो ही लिखा था,
अब उसने जीरो ही क्यों प्रिंट करवाया, फॉल्स क्यों नहीं प्रिंट करवा दिया? जीरो और फॉल्स भी तो सेम वैल्यू है, क्योंकि जब सेट टू में फॉल्स स्टोर ही नहीं हुआ था क्योंकि वो जीरो के बाद लिखा हुआ था, और तब अगर आप उसकी लेंथ चेक करते तो शायद पता भी चल पाता कि फॉल्स इसमें नहीं है। सॉरी, जब आप आवाज ना बहुत स्लो आ रही है, आप प्लीज थोड़ा बोल सकते हैं कि आप क्या कह रही हैं, कि बाद में तो समझ नहीं आई। आई डोंट नो पार्टिसिपेंट्स को समझ आई है कि नहीं, किसी को आई है समझ? नो मैम। चलिए कोई नहीं, जाने दे, ज्यादा इम्पोर्टेंट बात नहीं थी। चले ठीक है, हिजाब ओके, अगर आप दोबारा कर सकती हैं बात तो कर दें। नहीं, मैं वही बताना चाह रही थी कि सेट टू में उस वक्त फॉल्स स्टोर ही नहीं हुआ था। ओके अच्छा, मैं यहाँ पे एक बात शेयर करना चाह रही हूँ। जैसे कि आप सबने देखा, मैंने पहले क्या किया था, यहाँ जीरो और वन लिखा था और ऊपर ट्रू और फॉल्स लिखा था, ठीक है? तो उस केस में क्या किया, उसने सेट टू वाली ही वैल्यूज दी थी, और इस केस में भी वो सेट टू वाली ही वैल्यूज दे रहा है। तो यहाँ पे हम एक पॉइंट बना सकते हैं अपना, कि बेसिकली जो भी हमारे पास सेट टू में है वो उन वैल्यूज को लेके जाके स्कैन करेगा। अगर वो यहाँ मौजूद है तो वो ये चीज प्रिंट करवा देगा, अदरवाइज वो इनमें से वो चीज छोड़ देगा। तो वो ऐसे वर्किंग कर रहा है। मैम ये भी तो हो सकता है कि जो बड़ा सेट है वो इसलिए उसके अंदर जाके देख रहा है छोटे सेट को बड़े सेट के अंदर। ओके, इसका आंसर यहाँ मौजूद है। सेट टू को चेक करो या उसे अपडेट करो सेट वन में, तो वो इसी तरह वर्किंग करेगा। लेकिन पहले मुझे दूसरी चीज ट्राई करने दे, कभी आपको बताती हूँ। ओके, इस केस में भी आप लोग देखें, ये सेट टू की जो है ना टर्म्स हमारे पास जो भी है, whether it is a zero, one or true or false, वो वही प्रिंट करवा रहा है। तो इस बात की सबको समझ आई है? जी मैम, ये क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम दूसरी चीज ट्राई करके देखते हैं। मैम प्रिंट में भी सेट टू कर दें। सॉरी, ओके। ओके, स्टिल उसने सेम वर्क किया। ऐसे करना तो ये चाहिए था कि सेट वन को स्कैन करना चाहिए था। सेट वन को स्कैन करता और उसके देता। ओके चलिए, इस पॉइंट को ना हम इंशाल्लाह कल की क्लास में देखते हैं। हो सकता वो लेंथ की वजह से कर रहा हूँ क्या? काफी सारे पार्टिसिपेंट कटे बोल रहे हैं, मुझे किसी की भी समझ नहीं आ रही कि आप बोलना क्या चाह रहे हैं। अगर दोनों की लेंथ को सेम रख दें। ठीक है, सेट वन में से लाओ और फैसला रिमूव कर दें तो। ठीक है, ट्राई करके देख लेते हैं। कि ऐसा तो नहीं है कि वो वाकई जो छोटी लेंथ वाला है उसे देख रहा है एंड देन स्कैन कर रहा है, डोंट नो वो वर्क कैसे कर रहा है। ओके, इस केस में क्या कर रहा है, वो ये वाला सेट वन की वैल्यूज दे रहा है। इन केस एक और चीज ट्राई करके देखते हैं। वो पहले भी सही दे रहा था। नहीं, पहले उल्टा कर रहा था ना, ये वाली वैल्यूज दे रहा था। हमने सेट टू रिटर्न करवाना था ना, तो सेट टू में जो वैल्यूज थी वही उसने पुश करनी थी हमें प्रिंट में। ओके ओके ओके, यहाँ पे एक और पॉइंट ऐड कर लें सब लोग। बेसिकली वो ये कर रहा है कि जिस सेट की वैल्यू कम है ना वो उसकी वैल्यूज रिटर्न कर रहा है। मैम निम्रा, अब मेरी आवाज आ रही है? जी अब आ रही है। सेट में एक लिंक सेंड किया था हसान ने, उसमें प्रोग्राम को विजुलाइज करते हैं, मैंने वो चेक किया, वो वाकई बहुत अच्छा है। अगर यही प्रोग्राम हम लोग वहां पे पेस्ट करके चेक करें कि वो क्या रहा है बैकएंड पे, वो पूरी पिक्चर बना के दिखाए, पार्टिसिपेंट्स को भी समझ आ जाएगी और मे बी हमारे भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। ओके जब मैं ट्राई करती हूँ। पाइथन ट्यूटर है।
ओके जितनी देर में ये ओपन हो रहा है हम नेक्स्ट मूव करते हैं, फिर इसे देखते हैं ठीक है। ओके नेक्स्ट हमारे पास है इंटरसेक्शन का मेथड, और इंटरसेक्शन का मेथड कैसे वर्क करता है, द इंटरसेक्शन मेथड विल रिटर्न अ न्यू सेट। तो इस केस में क्या हो रहा है, न्यू सेट रिटर्न हो रहा है डेट ओनली कंटेन्स द आइटम्स डेट आर प्रेजेंट इन बोथ सेट्स। तो कोई बताना चाहेगा कि इंटरसेक्शन की रिटर्न टाइप नन है कि नहीं, एनीवन? नो मैम, इसकी रिटर्न टाइप नन नहीं होगी, वो न्यू सेट होगा। क्या होगी? यस, न्यू सेट। ओके तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्या हम सेट वन या सेट टू को प्रिंट करवाएं तो वो में मतलब चेंजेस आए होंगे या वो वैसे ही होंगे? बिल्कुल वो सेम रहेंगे। यस, वो वैसे ही रहेंगे, एक न्यू वेरिएबल बनेगा और उसके अंदर वो वैल्यू स्टोर होगी। लेट्स सपोज यहाँ पे हमने एग्जांपल ली हुई है, सेट वन में कुछ वैल्यूज हैं, सेट टू में कुछ वैल्यूज हैं, देन हम लिख रहे हैं कि x इज इक्वल टू करो सेट वन डॉट इंटरसेक्शन सेट टू। तो क्या होगा, वो इनमें से कॉमन एलिमेंट्स जो भी होंगे उन्हें स्टोर करवाएगा x के अंदर एंड देन प्रिंट कर देगा x को। तो इसमें हमारे पास एक ही कॉमन था 5, तो उसने वो प्रिंट कर दिया। इसमें मैम सेट वन वैसे का वैसे ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। जी मैं आपको दिखाती हूँ, बेसिकली उसमें ना कोई फर्क आएगा ही ना, ना सेट वन में ना सेट टू में। सिंपली क्या करेगा, उनके एलिमेंट्स को उठाएगा और उठा के किसी का साइड पे ले देगा। सेट वन आप भी यहीं पढ़ रहे हैं, सेट टू आप भी यहीं पढ़ रहे हैं, बस मैं अपना काम करके आता हूँ। तो वो सारे एलिमेंट्स को लेके चला जाएगा, स्कैन करेगा, जो मैच कर जाएंगे उन्हें एक न्यू सेट में रख देगा एंड देन उस न्यू सेट की वैल्यू को प्रिंट करवा देगा। ये चेक कर लेते हैं, ये देखें। ओके ये फॉल्स कहाँ चला गया, सेट वन में। ओके ठीक है, सॉरी क्योंकि जीरो आ गया तो वो फॉल्स को इग्नोर कर देगा। तो लाहौर फैसलाबाद 5 एंड आर्यन सेट वन ला दियो, ला दियो सेट टू में ये वैल्यू लगा दी। ठीक है, जिनका क्वेश्चन तो हमने क्लियर हुआ है, आई डोंट नो स्लो है वो वेबसाइट ओपन ही नहीं हो रही। ओके नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक और चीज है, सिमेट्रिक डिफरेंस। Method will return a new set that contains only the elements that are not present in both sets. Okay, let me ask someone in the participants. Sir Junaid, आप क्लास में हैं? Yes, ma'am. Okay, आप मुझे ये बताना चाहेंगे कि symmetric difference जो है, इसकी none type, oh sorry, return type क्या होगी? None है या कुछ और है? क्या लगता है आपको? इसकी नन नहीं होगी। नन होगी, और रीजन क्या है, आपको क्यों लगता है सर? अभी अभी हमने इस बात पे डिस्कशन किया ना, तो आप अपना पॉइंट। सॉरी आपने क्या कहा? इंटरसेक्शन के अंदर नहीं, मैं नेक्स्ट पे चलेगी ना, नेक्स्ट पे मूव करेगी ना सिमेट्रिक डिफरेंस। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि यहाँ पे लिखा हुआ है मेथड विल रिटर्न अ न्यू सेट, तो आपको क्या लगता है इस लाइन को पढ़ के, वेदर इसकी रिटर्न टाइप जो नन है या फिर कोई और चीज है, क्या ख्याल है आपका? मैम नहीं आईडिया वाला। ओके नो प्रॉब्लम। ओके कौन बताना चाहेगा, हैंड रेज कर सकते हैं जिन जिनको आइडिया है, बोलना किसी ने नहीं है लेकिन सिर्फ हैंड रेज करने है। ओके रिदा आप क्लास में हैं? यस मैम। ओके रिदा आपको आइडिया है? इसकी रिटर्न टाइप नन नहीं है। नन नहीं है, और क्यों नहीं है, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि नहीं है? क्योंकि ये न्यू वेरिएबल में वैल्यू असाइन कर रहा है ना। ओके तो इन केस आप मुझे इसी का आप भी रिप्लाई दीजिएगा, अगर मैंने ये चीज जो लिखी है इसकी रिटर्न टाइप नन होती तो मुझे कैसे पता चलता? मैम जब हम इसको प्रिंट आउट करवाते हैं तो ये हमें सेट उसमें नन रिटर्न करता है ना? यस, नन रिटर्न करता, बिल्कुल। थैंक यू रिदा। ओके सर जुनेद आपको बात समझ आई है कि नहीं आई? नहीं मैम, नहीं क्लियर हुआ मुझे। ठीक है मैं रिपीट करती हूँ, आप मुझे प्लीज बताइएगा, आपकी फर्स्ट क्लास तो नहीं आई है? मैम फर्स्ट क्लास है। ओके नो प्रॉब्लम।
आ जाएगी आपको समझ। ओके थैंक यू। इस केस में हो क्या रहा है हमारे पास, हम कह रहे हैं कि सिमेट्रिक डिफरेंस का जो मेथड है वो हमारे पास रिटर्न कर रहा है। क्या चीज रिटर्न कर रहा है? जब ना देखिए कभी कभी ना हमारे क्वेश्चन में क्लू होता है, मैंने बोला विल रिटर्न अ न्यू सेट, और मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आपको क्या लगता है कि इसकी रिटर्न टाइप क्या होगी, वो खुद बता रहा है कि इसकी रिटर्न टाइप जो है एक न्यू सेट है, तो कैसे वो नन हो सकती है? ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, ये परफॉर्म करेगा जो भी चीज, उसे एक न्यू सेट में या कह लें एक न्यू बॉक्स में वो जमा करेगा, एंड देन वो चीज लेके आएगा कि आपने मुझे जो काम दिया था मैंने इस बॉक्स में रख दिया वो सारा कुछ जो आपको वैल्यूज चाहिए थी। ठीक है, तो फिर मैंने उसे कहा कि आप ऐसा करो ये सारी वैल्यूज एक वेरिएबल ए में स्टोर करवा दो, एंड देन जब मैं नेक्स्ट लाइन पे जाके कह रही हूँ कि आप इन वैल्यूज को प्रिंट कर दो, तो बेसिकली वो क्या करेगा, इस लाइन में जितनी भी उसने फंक्शनैलिटी की है उसका आंसर वो इस लाइन के थ्रू प्रिंट करवा देगा। तो अब देखते हैं वो क्या करेगा। ओके कोई बताना चाहेगा डिफरेंस क्या होता है? आगे प्रोसीड करने से पहले मुझे 2 मिनट चाहिए, मैंने कुछ डिस्कस करना है के साथ। जी प्लीज हिजाब आप कर सकते हैं। अच्छा, कल का जो हमारा लेक्चर था हमने उसमें सेट्स को स्टार्ट किया था, और आप लोगों को याद हो तो हमने पढ़ा था कि सेट्स चेंजेबल नहीं होते, बहुत सी इसमें चीजें थी जो हम लोग देख रहे थे कि हम नहीं कर सकते, स्पेशली ये सबसे बड़ा एक तरह से हमें लग रहा था कि इसमें फॉल्ट है कि अनऑर्डर्ड चीजें हैं, पॉप मेथड यूज करते थे तो वो जिसको मर्जी डिलीट कर देता था। तो मैंने कहा था कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि फिर सेट में ऐसी क्या बात है कि ये डाटा टाइप पाइथन में मौजूद है और हम इसको क्यों प्रेफर करें बाकी डाटा टाइप्स पे। तो अगर तब मैं ये बात बताती तो शायद समझ नहीं आती, लेकिन आज के लेक्चर के बाद आप लोगों को पता चल क्या होगा। अच्छा मैम शमाइला, आप मुझे करेक्ट करना अगर मैं गलती करूँ, मैथमेटिक्स में भी जो सेट्स होते हैं उन पर हम डिफरेंट मेथड्स अप्लाई करते हैं, जिनमें यूनियन आता है, इंटरसेक्शन आता है, डिसजॉइंट सेट्स होते हैं, सुपर सेट, सब सेट, ये सारी टर्म्स होती हैं, जिससे यही सारी चीजें हम लोग पाइथन के सेट्स के साथ कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे किस किस मेथड को पढ़ा, हमने डिफरेंस को पढ़ा, इंटरसेक्शन को और यूनियन को पढ़ा, और उसमें भी 2 तरह के थे डिपेंडिंग ऑन देयर रिटर्न टाइप। आप लोगों को मैंने एक टास्क देना है और वो टास्क ये होगा कि आज जब मैं स्लैक पे सेट्स की नोट्स शेयर करूंगी तो मैं एक पिक्चर ऐड कर दूंगी एंड पे, जिसमें ये सब मेथड्स भी होंगे लेकिन इसके अलावा भी कुछ मेथड्स होंगे। आपने अपने एंड पे वो सब मेथड्स को ट्राई करना है और देखना है कि एक मेथड का दूसरे मेथड के साथ क्या डिफरेंस है। यही चीज़ें जो हमने अब आज बताई हैं, मैम निमरा बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर रही हैं, रिटर्न टाइप की बातें हैं, थोड़ा स्लाइट डिफरेंस है, वेरिएबल हो ना हो, यही छोटी छोटी डिफरेंसेस सब मेथड्स में हैं, और वो मेथड्स में आपने एक्सप्लोर कर, मे बी हम नेक्स्ट क्लास में उसके बारे में पूछ लें या ना पूछें। एक तो ये चीज़ थी। दूसरी चीज मेरी यहाँ पे पार्टिसिपेंट से क्वेश्चन था, एक सर अमीर हमजा और एक और थे सर, और इनके अलावा जिनकी आज फर्स्ट क्लास है, काइंडली वो मुझे जल्दी से बता दें कि जो वीकेंड पे रिवीजन की क्लासेस हुई हैं 2-2 घंटे, बल्कि 2 घंटों से एक्सीड किया है दोनों दिन, एक दिन तो 3 घंटे तकरीबन हो गए थे, सैटरडे को और संडे को था तकरीबन 2.5 घंटे की क्लास। तो आप लोगों ने वो सेशंस लिए थे? नहीं, आज पहला दिन है मेरा। मेरा भी पहला दिन है मैम आज, जूनियर। ठीक है, आपका पहला दिन है। मैं ऐसे करती हूँ, मैं अभी चैट बॉक्स में फेसबुक का लिंक सेंड कर देती हूँ आईकोट का, आप वहां से लेक्चर्स देख सकते हैं, जो पुराने लेक्चर्स हैं, हमारे सब लेक्चर्स फेसबुक पे रिकॉर्डेड होते हैं। इसके अलावा एक और बात का मुझे जल्दी से आंसर कर दें कि क्या आप लोगों ने स्लैक पे आईकोट गुरु ज्वाइन किया हुआ है, जहाँ पे हम लोग नो मैम मैंने नहीं ज्वाइन किया, उसका लिंक सेंड कर दें आप, फिर मैं ज्वाइन करूंगी। आपने आईकोड गुरु की वेबसाइट पे जाना है, वहां पे लॉगिन करना है, उसके बाद जो आपको ईमेल आएगी वहां से स्लैक को ज्वाइन करना है, और जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है आपको 7 PM पाइथन फॉर बिगनर्स चैनल में ये सब नोट्स मिल जाएंगे, टॉपिक वाइज चैनल में पिन, आप लोग वहां से नोट्स से हेल्प लें और रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी सुन सकते हैं, और जिस चीज की आपको समझ नहीं आती आप स्लैक पे हम लोगों को कनेक्ट कर लें या फिर क्लास में आप लोग पूछ लें, कोई भी कंसेप्ट आपको क्लियर नहीं होता, कोई भी प्रश्न है तो आप इजीली मुझसे मैम निमरा से पूछ सकते हैं। यस मैम, थैंक यू सो मच।
मैम आप लोग आप और निम्रा मैम जो है वो क्या कहते हैं वो जो बीएस बायोइनफॉर्मेटिक्स का ग्रुप बना हुआ है उसके अंदर आप लोग ऐड हैं? आई थिंक मैम निम्रा ऐड होंगी, वो बायोइनफॉर्मेटिक्स स्टूडेंट्स को डील कर रही हैं। बिकॉज उधर लिंक नहीं आया था जो आज की क्लास का लिंक है ना, वो ये क्लास का लिंक आता किस ग्रुप में है? आयशा बेसिकली वो जो ग्रुप है वो बायोइनफॉर्मेटिक्स के ओवरऑल इन्फॉर्मेशन के लिए है। तो अगर आपने आईकोड गुरु ज्वाइन करना है तो मैं आपको एक लिंक शेयर करती हूँ, तो उस ग्रुप को ज्वाइन कर लें एंड देन आपको जितनी भी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू आईकोड गुरु या पाइथन होगी वो आपको मिल जाएगा। चले वो थैंक यू सो मच, वो आप शेयर करते बिकॉज मुझे आज का लिंक भी मैंने खुद मैसेज किया तो मुझे मिला, आई डोंट नो कहाँ पे आता था ये लिंक और मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था। ओके नो प्रॉब्लम, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। काइंडली क्वेश्चन है मैम जी प्लीज। मैम मतलब के वो जो आपने कहा फेसबुक का जो लिंक होगा वहां से जो रिवीजन वाले लेक्चर है बस वो ले लें या जितने भी मिलेंगे मतलब उनकी कोशिश करें सारे ले लें? जुनेद बेस्ट ऑप्शन ये है अगर आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, और मुझे पता है रिकॉर्डेड लेक्चर लेना काफी बोरिंग काम होता है, तो बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप ना जो रिवीजन वाले लेक्चर्स है ना वो ले लें। यस मैम, क्योंकि अभी इसी वीकेंड पे हुए हैं ना वो, तो वो काफी एक किस्म के ना न्यू है, उनमें चीजें काफी अच्छी है, तो आप वो ले लें तो वो बेस्ट है। और इनकेस आपके पास टाइम ज्यादा है और आपको लग रहा है कि शायद मैं ज्यादा चीजें सीख सकता हूँ तो फिर आप पीछे वाले लेक्चर्स भी ले लें, तो फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह आपको समझ आएगी कि हम क्या बात कर रहे हैं। आज बेसिकली आपको इसलिए समझ नहीं आ रही थी कि मेथड फंक्शन क्या होता है या चीजें क्या होती हैं। जी जी बिल्कुल ऐसे, थैंक यू मैम, ठीक हो, नो प्रॉब्लम। ओके आज की क्लास का हमारा तकरीबन टाइम खत्म हो गया, तो किसी का अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट मूव करेंगे। हमारा तकरीबन सेट जो है वो डन हो गया, तो हम डिक्शनरीज को लेके चलेंगे। अच्छा मैंने एक चीज शेयर करनी थी, प्लीज आप सब अपने एंड पे थोड़ी सी प्रिपरेशन कीजिएगा, मैंने कुछ क्वेश्चन करने हैं नेक्स्ट क्लास में टपल के रिलेटेड, और हमने क्या पढ़ा है हिजाब टपल और लिस्ट स्ट्रिंग, यस लिस्ट स्ट्रिंग, इन सब चीजों के रिलेटेड ना मेरे कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन होंगे और पार्टिसिपेंट्स को बाय नेम मैं बुला के पूछूंगी, ठीक है? यस क्विज समझ लें, मैं क्विज का वर्ड नहीं यूज करना चाह रही थी क्योंकि कुछ लोग डरते हैं उस वर्ड से। और मैम जिनकी अगर ये फर्स्ट क्लास है और उनको बाकी आना नहीं है तो वो क्या करेंगे फिर? वो सुनेंगे जब हम क्वेश्चन करेंगे, तो आप लोग सुनेंगे कि पार्टिसिपेंट्स कैसे आंसर कर रहे हैं, हमारा क्वेश्चन क्या है, आपको ज्यादा अच्छी समझ आएगी। ठीक है थैंक यू मैम। काइंडली वो जो जो पढ़ा है उसके मतलब के थोड़े से फंक्शन वो लिस्ट सेंड कर देते ग्रुप में, तो उससे आइडिया हो जाएगा कि किन किन से मुताल्लिक क्वेश्चन हो सकता है, तो वो भी देख लेते हैं। जुनेल हमने स्लैक चैनल पे ना स्लैक चैनल पे सारे नोट्स शेयर किए हुए हैं और अच्छा बल्कि उन्हें पिन भी किया हुआ है, तो वो सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे जितना भी आप देख सकते हैं। ओके हतीम, उम्मीद है बाकी पार्टिसिपेंट्स को भी क्विज का सुन के अच्छा लगा होगा, तो हम इंशाल्लाह कल वर्किंग करेंगे। ओके मैम ठीक है, हिजाब आप मीटिंग एंड कर सकती है, नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया। ऑलराइट, ओके हाफिज़।